नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर दिग्विजय सिंह की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप तो महामंत्री हैं जी। कितने महामंत्री हैं आपकी पार्टी में? हम एक दो तीन चार पांच सात लगभग सात हैं। पर अब एक बताओ, कुछ कंफ्यूजन है कि पार्टी कौन चला रहा है आजकल, सोनिया जी, राहुल जी या दिग्विजय सिंह जी? इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी के निर्देशन में सब लोग काम कर रहे हैं। नहीं, कर तो रहे हैं, पर भी जो पिछले एक हफ्ते में जो लगता है कि प्रियंका जी ने भी एक मीटिंग ले ली कांग्रेस लीडर्स की, उससे पहले राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ले ली, सोनिया जी कोई मीटिंग कर ही नहीं रही आजकल। ऐसा नहीं है, वर्किंग कमेटी की जब बैठक होती है तो वही प्रिसाइड करती हैं और समय समय पर सारे जनरल सेक्रेटरीज और उपाध्यक्ष महोदय और दूसरे अन्य भी चर्चा करते हैं सोनिया जी से। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, उनके बारे में जनार्दन द्विवेदी जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि वो कैंपेन केवल रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में ही करती हैं और कहीं नहीं जाती हैं। नहीं करती थी, पर जिस तरह की मीटिंग बुलाई है अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, जयराम रमेश, ये सब लोग सुल्तानपुर अमेठी तो देखते नहीं है। इनकी मीटिंग पहली बार मैंने सुना। मैं 40 साल का जर्नलिज्म हो गया और प्रियंका जी को मैं पिछले 12-15 साल से एक्टिव देख रहा हूं, जाती हैं अमेठी, मैं भी कई बार गया हूं। उन्हें इस तरह की मीटिंग कभी की नहीं पहले। इसके पीछे कुछ नई बात है कि क्या उनको घबराहट हो रही है क्या? मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं था नहीं उन दिनों। आपको लगता है कि परिवर्तन कांग्रेस के, क्योंकि आप महामंत्री हैं, कोई परिवर्तन काम करने के तरीके में लग रहा है पिछले 2-4 महीने से आपको? सोनिया जी ने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया कि आपको काम जो है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। जब से राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष बने हैं, उन्होंने बहुत कुछ जिम्मेदारी संभाल ली है और जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने बैठकें भी ली है। हर 3 महीने में हर प्रांत के बारे में प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर के साथ सेक्रेटरीज एआईसीसी, जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी उस स्टेट के लिए, और अहमद पटेल जी और जनार्दन द्विवेदी जी, इनके साथ बैठकर हर स्टेट को रिव्यू कर रहे हैं, उसमें भी एक्शन टेकन रिपोर्ट बना रहे हैं। नहीं, मैं अगर ये पूछूं आपसे सवाल कि डिगी राज जी, आप तो जानते हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे लॉयल महामंत्री हैं, तो बाकी लोग इधर उधर जाते नहीं, रहते नहीं, हैं ऐसा नहीं। सभी लॉयल हैं, सभी हैं, पर आप थोड़े ज्यादा लॉयल्टी का भी स्ट्रेचर होते हैं। 10 में से 10 आप हैं, बाकी 9 होगा, कोई 8 होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी अब डिफेक्टो कांग्रेस के सर्वेधर्वा हैं? अब डिफेक्टो आप लोग कह सकते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि जो भी निर्णय होते हैं राय मशवरा के साथ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास प्रकरण जाते हैं और निर्णय हो जाते हैं। नहीं, मतलब अब ये माने कि राहुल गांधी ही आगे कांग्रेस और सरकार को गाइडेंस देंगे सोनिया जी के इंस्ट्रक्शंस के साथ, ये मानकर चल रहा हूं, पर राहुल गांधी ही अभी डिसीजन पॉइंट मैन है पार्टी के? डिसीजन तो अध्यक्ष जी ही लेती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी प्रकरण कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास जाता है वो राहुल जी से चर्चा करते हैं उसके बाद। जैसे मैंने अभी देखा कि राहुल गांधी ने पहली बार सोनिया जी ने अक्सर की मीटिंग कभी नहीं की, राहुल जी ने अपने साथ 6 मिनिस्टर बनाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार के बारे में बात की। सोनिया जी सरकार का काम प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ देती थी और खुद वो पार्टी की बातें करती थी। कभी उन्होंने अपने ऑफिस जो के अलावा कांग्रेस के मिनिस्टर बता करके कांग्रेस के गवर्नमेंट के फंक्शन को काम नहीं किया। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी सरकार और कांग्रेस दोनों का नेतृत्व कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये बात भी आपको समझने की आवश्यकता है कि महंगाई एक ऐसा विषय था जिस पर सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करना आवश्यक था, क्योंकि महंगाई केवल केंद्र सरकार से नहीं रोकी जा सकती। जब तक राज्य सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे जमाखोरी के खिलाफ, कालाबाजारी के खिलाफ, तब तक कुछ बात बनेगी? ये नई बात तो नहीं है, जब आप भी चीफ मिनिस्टर थे तब भी कालाबाजारी होती थी, महंगाई होती थी, और उस पर कांग्रेस के शासित राज्यों में कार्रवाई भी हुई इन लोगों के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि जैसे बहुत दिनों से प्रपोजल चला हुआ था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो पेरिशेबल फ्रूट कमोडिटीज हैं, इनको डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर टू दी कंज्यूमर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास होना चाहिए, और उसके तहत भी सुझाव दिया गया जिसका पालन
सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने तो प्रधानमंत्री उस मीटिंग में थे नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए थे क्या? कोई जरूरत नहीं उसके अंदर। कारण यह है कि ये सारे निर्णय तो केंद्र सरकार कर ही चुकी है, कोई नया निर्णय कोई केंद्र सरकार ने नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन करना है जो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस रूल स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये प्रयास किया था। नहीं, पर राहुल गांधी ने जब वाइस प्रेसिडेंट, आपको लगा कि राहुल गांधी एक ऐसी अथॉरिटी हैं जिनकी बात सब मुख्यमंत्रियों में चलेगी और उसके ऊपर अलावा प्राइम मिनिस्टर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? प्राइम मिनिस्टर की कौन सी बात को मना किया गया है? हर प्राइम मिनिस्टर जी, अगर प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग में होने चाहिए थे कि नहीं, जिसमें मिनिस्टर हो? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत इस बात की नहीं थी, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स थे। आफ्टरऑल कोई भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनता है वो कांग्रेस का रजिस्टर्ड मेंबर तो है। हाँ, बिल्कुल है। और जब पार्टी का आदमी है तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को उनसे बातचीत करने के लिए क्या दिक्कत है? आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर को अवॉइड की गया इसलिए उन्होंने? ना, बिल्कुल नहीं। क्यों अवॉइड करेंगे? आखिर जब खुद ही माननीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम राहुल जी के साथ काम कर ही रहे हैं और करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत? तो प्रधानमंत्री ने अपनी पावर राहुल गांधी को सौंप दी, आप चलाइए सरकार, मैं तो बैठा हूं कुर्सी लेकर। एक बात सुन लीजिए कि नेहरू गांधी परिवार सत्ता लोलुप्त परिवार नहीं रहा है, और सोनिया जी ने तो एक ऐसा उज्ज्वलंत उदाहरण प्रदर्शित किया है कि जब 350 से ज्यादा सांसद उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, उन्होंने त्याग दिया। नहीं, त्याग तो किया, ठीक बात है, उनको सबने चुना था, उनके बाद प्रधानमंत्री बन सकती थी, परंतु उनके अंदर भी ये था कि उनके बारे में विषय उठाएंगे, फॉरेन इश्यू का ये है वो, तो हो सकता है कि उन्हें उसके ना, 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 ना। ये एक हवा बनाई गई, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये उनके स्वयं के विवेक का निर्णय था। पर मैं अभी मनमोहन सिंह की तरफ आता हूं कि मनमोहन सिंह जी जब उसके जैसे राहुल गांधी ने मीटिंग लेनी शुरू की, मनमोहन सिंह जी अनाउंस कर दिया कि मैं अगली बार प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं, तो उनको लग गया कि अब मेरे पावर चली गई और ये राहुल गांधी चलाएंगे, मंत्री भी इनके बाद जाएंगे। भूल जाते हैं इस मीटिंग के पहले भी वो इस तरह की बात पहले कर नहीं, मैं उनके अंडर काम करने के लिए तैयार हूं, ये कहा उन्होंने, ये उसके पहले भी कह चुके हैं। हाँ, उन्होंने एक जहाज की जब एग्जैक्टली विदेश यात्रा से आ रहे थे, मीटिंग उसके बाद हुई, उस वक्त उनसे पूछा गया कि आप अगली बार 2014 के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं गई, उसका जवाब दिया था कि इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो राहुल गांधी ने जैसे ही लिया, इसका मतलब राहुल गांधी की वजह से प्रधानमंत्री ने अपने आप को विड्रॉ किया? ऐसा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी विड्रॉ नहीं किया है और न राहुल गांधी जी ने कभी भी केंद्र के सरकार के किसी निर्णय में हस्तक्षेप किया है। हाँ, उन्होंने कागज फाड़ दिया कि इतनी नॉनसेंस बिल, इसको विड्रॉ करिए, आपने फट विड्रॉ कर लिया, प्रधानमंत्री दूसरे दिन कैबिनेट मीट में लाके, हाँ जी विड्रॉन। पहली बात तो अपना पृथ्वीराज चौहान फटाफट बिल वापस, आप कहते हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं किया? ऐसा नहीं है, हस्तक्षेप होता है ऑन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, पॉलिसी मैटर्स, दीज आर पॉलिसी मैटर्स एंड पॉलिसी हैज पॉलिसी मैटर्स जो हैं उसमें हर पार्टी को अधिकार है अपनी सरकार से उन पॉलिसीज का पालन कराने का आदेश देना, कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। एक मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार जो है कांग्रेस के नेताओं की सोच से अलग काम कर रही थी ना, ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन इतना जब राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट को पसंद नहीं है एक बिल, वो वाइस प्रेसिडेंट अथॉरिटी है उनके पास, तो उसके बाद उसको विड्रॉ किया, तो पहले नहीं कंसल्टेशन कर सकते थे? कंसल्टेशन होना चाहिए था, नहीं हो पाया। लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि उस बिल को लाने से किसी का भला नहीं होता था। पर दिग्विजय सिंह जी, 33 मिनिस्टरों ने एक बिल पास किया और एक वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने उसको फाड़ के फेंक दिया कूड़े के बस्ते में, और 33 मिनिस्टरों ने मिलकर इसे विड्रॉ कर लिया, तो आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी ज्यादा पावरफुल है 33 मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है? इसमें पावरफुल और नॉट सो पावरफुल का इश्यू नहीं है, इश्यू ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने मिनिस्टर्स और अपने पार्टी के प्राइम मिनिस्टर्स को पॉलिसी मैटर्स पर अपनी बात कहने का अधिकार है। ये विवेक माननीय प्रधानमंत्री जी का और मंत्री जी का होता है कि उस बिंदु पर हम लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना। कोर कमेटी आपकी है जिसमें मीटिंग होती है हर हफ्ते या 10 दिन के अंदर, उस मीटिंग के डिस्कस हुआ होगा, राहुल गांधी उसके मेंबर तब नहीं थे शायद, अब आजकल मेंबर हैं, तो उसका महाराष्ट्र कैबिनेट ने डिसाइड किया, उसका भी आपने कहा कि नहीं गलत है? आज भी राहुल गांधी जी कोर कमेटी के मेंबर नहीं है। हाँ, मैंने कहा शायद है, इसलिए शब्द किया नहीं, कि जब कोर कमेटी में नहीं है इसके बावजूद तो और इंपॉर्टेंट हो गया कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ पावर बन गए राहुल गांधी, कि कोर कमेटी में ना होते हुए भी उनका फैसला माना जाता है। ऐसा नहीं है,
कोर कमेटी जो है वो हर हफ्ते मिलती है, लेकिन राहुल गांधी जी उसके अंदर शामिल नहीं। राहुल गांधी जी को काम सौंपा जो गया है वो काम है 2014 के लोकसभा चुनाव की कांग्रेस की तैयारी। नहीं, वो तो कर रहे हैं। सवाल ये है कि पिछले दो महीने के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट के पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर अटैक किया, स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट के डिसीजन को रिवर्स कराया, यूनियन कैबिनेट के डिसीजन को रिवर्स कराया। इसका मतलब ये है कि वो ही इज मोर पावरफुल देन द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। ये आपका आकलन हो सकता है। विड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ? दोनों चीजें, विड्रॉ होने की बात नहीं है। एक बात यह है कि एक कानून बनाया जा रहा था कुछ लोगों को बचाने के लिए, बन गया था वो ऑर्डिनेंस आ गया था। ऐसा एक माहौल इस देश में बन रहा था जो कि किसी के लिए अच्छा नहीं था, जबकि मंशा ऐसी नहीं थी। इसी प्रकार से जहां तक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का मसला है, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के अंदर शायद कैबिनेट का ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड उतना नहीं किया था जितना करना चाहिए था, और जो इश्यूज उसमें रेज किए गए थे वो इतने संवेदनशील थे कि उस वक्त पुनर्विचार होना आवश्यक था। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज बातचीत कर रहे हैं मिस्टर दिग्विजय सिंह जी से। मैं आपसे पूछ रहा था आपको कि मनमोहन सिंह जी ने मान लिया कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं, इसका मतलब वो लगता है कि अपने आप को उनको प्रेशराइज किया हो गया। आप भी समझते हैं कि बाबू लाइबिलिटी है सेकेंड टर्म के अंदर? बिल्कुल नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह। महंगाई बहुत हो गई, करप्शन ज्यादा हो गई। मैं आपको बताता हूं प्रभु जी कि पहली बात तो कतई वो लाइबिलिटी नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, महंगाई अगर आप देखेंगे पिछले साल से शक्कर सस्ती हो गई, पिछले साल से दाल सस्ती हो गई, पिछले साल से तेल सस्ते। 2004 से मुकाबला करिए ना, 2009 से करिए। चलिए चलिए 2011 से क्यों ना करें, 12 से क्यों ना करें, 9 से क्यों ना करें? वो 10 साल की फिगर गिना रहे थे अपनी में, 10 साल में हमने क्या कर लिया। वो तो 2010 की बात नहीं कर रहे थे, वो 10 साल की एवरेज निकाल रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी आपके राज्य में, टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल यूथ 2004 के मुकाबले में 2013 के अंदर फिगर्स अगर उठाकर देख ले, आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट -1.8% आ गया। तो ये आप कहते हैं कि इसमें आप ये क्यों भूल जाते हैं प्रभु चावला जी कि इसमें कुछ योगदान हमारी जुडिशरी का भी रहा है। जिस प्रकार से 2G में कोल ब्लॉक में CAG ने अपनी रिपोर्ट दी, उससे भी फर्क पड़ा है। आप इसी के साथ साथ जिस तरह से जुडिशरी ने एनवायरमेंट इश्यूज को लेकर जो इश्यूज किए हैं उस पर भी फर्क पड़ा है। तो इसलिए आप इस बात को मान लीजिए, जब से माइनिंग सेक्टर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हैं वहां का नेगेटिव ग्रोथ है माइनिंग सेक्टर। दिग्विजय सिंह, आपके दो मिनिस्टर एनवायरमेंट के, दोनों मिनिस्टर जयराम रमेश और उसके बाद जयंती नटराजन, उनको निकालने के पीछे कारण यह भी दिया जा रहा है कि वो फाइलें रोक के बैठ जाते थे 2004 से, जब जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आपके बने और अब तक फाइलें इतनी रुकी रही, उसको आदमी और यही मानते कि आपके मिनिस्टर काम नहीं कर रहे थे। इसके अंदर ये बात आप क्यों भूल जाते हैं कि अधिकांश एनवायरमेंट और पोल्यूशन के मसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट उनको हैंडल कर रहा है। आज पूरा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो एम्पावर्ड कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की। तो इसका क्या इलाज है आपके पास? आपके मिनिस्टर काम नहीं करते, आपने दो मिनिस्टर बदल दिए? ऐसा नहीं है, मिनिस्टर काम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को भी, मैं माफी चाहता हूं जुडिशरी से इस बात को कहते हुए, लेकिन इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि आज हर मसले पर हम लोग देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं उस पर इंक्रोचमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, आपको लगता होगा पर आपकी वीक सरकार है इसलिए हो रहा है। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं वीक सरकार है इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे आपको। अगर प्रधानमंत्री स्ट्रांग हो, वीक सरकार नहीं है, सेंसिटिव सरकार है, जो सरकार सड़क पे आंदोलन करने वालों के साथ भी चर्चा करने के लिए, कानून बनाने के लिए तैयार है, इससे ज्यादा सेंसिटिव सरकार कौन सी हो सकती है? सड़क पे उतरने के लिए आपने बात कर दी, आपने जिस पार्टी ने आपको गालियां दी और अभी तक गालियां दे रही है उसको सपोर्ट करने के पीछे आपके, मेरे साथ तुक समझ नहीं आया आपको। मैं आपसे इतना बताना चाहता हूं कि हमारी इस सेंसिटिविटी से वो सारे लोग जो कि सड़क पे जाके अपना आंदोलन करते थे कानून बनाने के लिए,
उनको हमने प्रेरित किया कि भाई इस कानून आपका विधानसभा लोकसभा से बनेगा, जंतर मंतर पे नहीं बनेगा। नहीं, उन्होंने स्वीकार किया और उनका अवसर मिल गया। ये हमारे देश के प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। मतलब आपने, उन्होंने आपको गाली दी और देते रहेंगे तब भी आप कहते हैं ठीक है हमारे। तो राजनीति में गाली तो दिया जाता है, देने का अधिकार सबको है। आम आदमी पार्टी जब 28 सीटें मिल गई उनको और वे विकल्प क्या था, भाजपा को सपोर्ट करें, कांग्रेस पार्टी नहीं, आप तो जाने बैठ रहते हैं, सरकार कहां बनती है, डिसोल्यूशन होता क्या होता है, तो फिर क्या होता, नया चुनाव होता, देख फिर क्या गवर्नर रूल दे देते, क्या क्या हम गवर्नर रूल, क्या आपका रूल रहता है ना, हमारा रूल नहीं रहता है, कांग्रेस हम लोग जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को क्यों इग्नोर करना चाहते थे, हम भाई जनता का राज होना चाहिए, आपको मौका मिलना चाहिए, इसकी वजह से मोदी को रोक लेंगे आप, ये मुझे ऐसा है, ये आप लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग जनता के जनमत का रिस्पेक्ट ना करें? उन्होंने कुछ वादे किए हैं, उन्होंने वादे पूरे करने के लिए शुरुआत की है, मुफ्त में पानी देना चालू कर दिया, बिजली का बिल उन्होंने घटा दिया। समर्थन मोदी रोकने के लिए नहीं है आपको? ना ना सवाल, क्योंकि आपकी टीम बन गई होती, आपके साथ हो गया, ऐसा नहीं है। जो अभी सेशन होने वाला है, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आप डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनल इच्छा क्या है? देखिए, मैं तो इस बात को शुरू से कहता आया हूं और मेरी इस बात में कंसिस्टेंसी है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, यह मैं शुरू से कहता आया हूं। इस बार भी नहीं करना चाहिए, पर्सनल व्यक्ति है आप, ये मेरा पर्सनल है, मैं वही पर्सनल की बात, लेकिन दिग्विजय सिंह से बात कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 8 दिसंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी मिली थी उसमें हम पहले अनाउंस करेंगे इंडिकेशन दिया है, तो अगर वो निर्णय लेती है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी के साथ थोड़ा बहुत मुझे काम करने का जो अवसर मिला है, उनमें वो सारी क्षमता है, वो सारी क्वालिटीज हैं, एबिलिटी है जो एक अच्छे प्रधानमंत्री में होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर उनका फैसला ये होता कि आपके हिसाब से कांग्रेस के अंदर सबसे उचित प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आप लगता है राहुल गांधी ही हैं, मैं कह चुका हूं सबसे, और कोई नहीं क्वालिफाइड, कोई भी, मैं कह चुका हूं, नहीं मैं और कोई क्वालिफाइड नहीं है ना, मैं राहुल गांधी जी के बारे में कह चुका हूं, तो उनके नेतृत्व में आप चुनाव जीत सकते हैं। जब नेतृत्व तो सोनिया गांधी जी का ही रहेगा, कांग्रेस में उनके नेतृत्व में चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाएंगे तो मोदी को हराने की कैपेसिटी उनके अंदर है। ऐसा एक बात सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी। नहीं, उनके बयान पे आप कैसे बोल सकते हैं? ये मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है, क्यों नहीं बनने देगी, यू टेक इट और लीव इट। नहीं, आपकी कई बातें अच्छी निकली, कई बात ठीक भी नहीं निकली, कई अधिकांश बातें मेरी सही निकली हैं। इसमें आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी बन, इसका आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री तो बनाएगी पर नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये मान रहे हैं आप, स्वयं भी जीत सकती है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी नहीं बनने देगी। हाँ, पर किसी और को बनाएगी, आपका कहना मतलब ये है, अगर बहुमत मिला तो? हाँ, तो आप मान के चल रहे हैं कि? मैं नहीं मान के चल रहा हूँ। तो कांग्रेस की सीटें कितनी आएंगी आपके हिसाब से? मैं ये 206 से कम ही आएंगी? मैं आंकलन प्रभु चावला जी कभी करता नहीं। आपने मध्य प्रदेश के बारे में कहा था मेरे को? मैंने कहा था क्योंकि अब मध्य प्रदेश एक राज्य की बात थी, देश के बारे में इतना मेरे पास जानकारी नहीं। तो आपको उम्मीद है कि 206 से सीटें ज्यादा आएंगी कम आएंगी? ये बड़ा मुश्किल है, आज 4 महीने दूर है और हवा तो कई घंटे में बनती है और बिगड़ती है। आज की तो आपके मिनिस्टर ने कहा कि मोदी इम्पैक्ट है, दिखाई देता है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से प्रचार हुआ है देश भर में आप लोगों की कृपा से, उसका असर है। इस थोड़ा कांग्रेस में और भी चर्चा चल रही है कि अगर आज इलेक्शन होता है प्रियंका जी की मीटिंग के बाद, उनको लगता है कि प्रियंका जी के अंदर ज्यादा कैपेसिटी है वोट कैचिंग करने की बजाय राहुल के, तो आपको लगता है इनसे बेटर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या बेटर वोट कैचर कौन हो सकता है? ये मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। आप कुछ नहीं कहना चाहते? चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उससे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।